नगर से है। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्य बीजेपी के सलील बिश्नोई ने किया जनसंपर्क। आज सलील बिश्नोई लोगों के साथ मिलकर की बातचीत, जिसको लेकर सीसामऊ विधानसभा से पर्चा भरने के बाद सलील बिश्नोई सीसामऊ विधानसभा के सभी लोगों से मिलकर अपने चुनाव का प्रचार किया, जिसको लेकर सीसामऊ जवाहरनगर एवं गांधीनगर और उन्हीं लोगों से मिलकर उनकी समस्या सुनी और कहा अब की बार हमको जिताकर विधानसभा भेजें तो आपकी सारी समस्या का हल करेंगे। गौ माता अब नहीं कटेगी, बूचड़ खाना बंद मिला है। गौ माता अब नहीं कटेगी, बूचड़ खाना बंद मिला है। और जो देश को आग दिखाएगा बेमौत में मारा जाएगा। योगी मोदी का संत मिला है, यूपी को अब संत मिला है, यूपी को अब संत मिला। किन-किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव में जनता की जो बेसिक जरूरतें हैं, जनता को जिनका अधिकार है, सड़क पानी सीवर, इसके लिए जनता को अधिकार दिलाने के लिए लड़ रहा हूँ। अच्छा, ये इस विधानसभा में 3 बार विधायक रह चुके हैं, तो क्या लगता है कि अब किनसे टक्कर होगी या निर्दलीय जीतेंगे? मुझे तो लगता नहीं है कि इनसे टक्कर होगी। मुझे तो वो लोग दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, भाजपा तो नंबर एक है। अच्छा, किन किन मुद्दों से आप चुनाव लड़ेंगे, कौन कौन मुद्दे हैं? सीवर पानी सड़क, ये जो जनता को जीवन जीने के लिए चाहिए बेसिक बातें, उनके लिए चुनाव लड़ूंगा। और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, गुंडा माफिया मुक्त सरकार जो हमारे योगी जी ने दी है, इसलिए जनता को बता रहे हैं कि योगी जी द्वारा किए गए कामों पर जनता अपना बटन दबा के मोहर लगाए। कानपुर से अंजलि विश्वकर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।